नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। इसे मेमना, जो छोटे मेमने हैं उसको तो आप माँ का दूध पिलाते ही हैं और हर कोई पिलाता है, लेकिन फिर भी उनका प्रॉपर वो शरीर में वो क्षमता नहीं बन पाता है, उतना दूध प्रॉपर मिल नहीं पाता है, या मिल भी पाता है तो ताकत उतना नहीं मिल पाता है जो सर्वाइव करें। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मेमने धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं और बहुत सारे बीमारी का शिकार हो जाते हैं और मेमने मर जाते हैं। फार्मिंग में सबसे बड़ा लॉस का कारण है मेमने को नहीं बचाना। अलग मैटर है कि लोग पूरा ध्यान दिए हुए हैं कि खाना में खर्च है, बकरी इतना खाती है और खाने की वजह से मैंने फार्म बंद किया, बहुत लोगों का कहना है, लेकिन मुझे लगता है नहीं, क्योंकि बकरी उतना भी नहीं खाती है अगर छोटी नस्लों पर काम करें और चारा इकट्ठा कर लें तो, मेरे हिसाब से जी, क्योंकि मैं भी करता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, मैं किसी पर ये थोपूंगा नहीं, हर किसी का मेहनत करने का तरीका अलग अलग है। मेन है मेमना बचाना, जिसके लिए कि मैं अथक प्रयासरत रहता हूँ। लोग दूसरे झमेले में रहते हैं और मैं मेमने बचाने के झमेले में रहता हूँ। मेरा पूरा ध्यान बकरी पालन में, चारा तो समय के अनुसार इकट्ठा कर लेना ही मेरा ड्यूटी है, और उसके बाद मेरे एक भी मेमने नुकसान ना हो, इसके प्रति मैं बिल्कुल सजग रहता हूँ। तो ये वीडियो कोई खास नहीं है, ये बहुत लोग इसमें जानते होंगे, लेकिन अगर एक भी आदमी को इससे अगर फायदा मेरा वीडियो से होता है तो बहुत बड़ी बात, मैं लकी अपने आप को समझूंगा, बहुत बड़ी बात है। तो जब ये मेमने देख लीजिए, 25-26 दिन हो चुका है मेमने का, माँ का दूध भी पी रहा है, बर्बरी का नस्ल का बच्चा है, तो बर्बरी के बच्चे देखने में छोटे लगते हैं लेकिन वजन होता है, कसा हुआ शरीर होता है। तो देखिए, इसको आप जब कोई भी नस्ल के मेमने हो तो आप शुरुआत ये करें, माँ का दूध तो आपको पिलाना ही पिलाना है, साथ में एक विटामिन A to Z आता है, इसमें बहुत सारे विटामिन इसमें हैं, बहुत सारे इसमें तत्व हैं, जो कि आप बाज़ार से विटामिन A to Z अगर लेंगे तो पीछे देख लेंगे, जो भी शरीर को चाहिए वो पूरे अवेलेबल हैं। ये आदमी के बच्चों का दवा है, तो ये अभी छोटा बच्चा है तो मैं ड्रॉप इसको लिया हूँ, ड्रॉप के रूप में, बड़ा बड़े आदमियों के में सिरप के आता है, सिरप आता है, और छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप आता है, तो ह्यूमन में सिरप है, ये ड्रॉप है, तो मैं इसको इस्तेमाल मैं अपने बच्चों पर करता हूँ, तो मैं सोचा कि आज मैं आप लोग को बता दूँ। तो ये बच्चा है तो मैं दो दवा दूंगा, एक अभी ये दूंगा और अभी रात का समय है तो अभी मैं ये दे देता हूँ और सुबह मैं दूसरा देता हूँ, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। तो क्या करना है कि 10 बूंद कम से कम, देखिए मैंने लिया है कम से कम 10 बूंद हम मेमना को इस तरीका से ड्रॉप करेंगे, ये मैंने इसको दे दिया है 10 बूंद इसको मैंने दिया है, और दो बच्चे हैं और भी मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हैं जो सब बाहर दूसरे बाड़े में हैं, इसको भी मैं इस तरीका से दे दूंगा। एक टाइम आपको A to Z दे देने हैं, A to Z हर मेडिकल में अवेलेबल है, आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये देख, बार रैपर को देख लीजिए, A to Z, ये आदमियों के बच्चे के दवा है, तो सभी जगह अवेलेबल है, इसमें बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे तत्व हैं जो कि बच्चे के शरीर में वो कमी पूरा कर देंगे। बच्चे मरते क्यों हैं, कमजोरी एनेमिक होने के वजह से धीरे धीरे वीकनेस की ओर चले जाते हैं, और कमज़ोर होने के बाद बच्चा थरथरा के गिरता है, खड़ा नहीं हो पाता है, और बच्चे इस तरीके से मर जाते हैं। और बहुत सारे कारण हैं, निमोनिया हो जाना, नाभि इन्फेक्शन हो जाना, बहुत सारे कारण हैं, तो आप बचा लेंगे, आप खुद समझदार हैं, या वो बचाया जा सकता है, तो लेकिन कमजोरी से अगर बचाया जाए, कमज़ोर होने नहीं दिया जाए, तो मेमना सर्वाइव कर जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक टाइम मैंने विटामिन A to Z दिया है, जो कि मैंने आपको दिखाया, मैं डीपली इसलिए बताता हूँ किसी बातों को ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और एक टाइम बिमराल देंगे हम, क्योंकि 1.5 किलो तक का ये बच्चा है, 1.5 से 2 किलो हो गया होगा, ये 2 किलो के लगभग, तो अब वेट गेन करता है, करेगा, जब कभी भी जो मेमने होते हैं ना 2 महीने के बाद ही वेट गेन करते हैं, 2 महीने तक उतना वेट गेन वो उस प्रोसेस से नहीं करता है, लेकिन 2 महीने के बाद वेट गेन करना शुरू कर देता है। तो एक टाइम मैंने A to Z दिया, जो कि मैंने आपको दिखाया, और दूसरे टाइम उसके 12 घंटे बाद, यानी शाम को मैं ये दिया हूँ, तो सवेरे मैं बिमराल ½ ml दूंगा। अगर ये 5 किलो 6 किलो का बच्चा होता तो मैं 1 ml तक दे सकता था, लेकिन अभी चूंकि ये छोटा बच्चा है तो मैं 1/2 ml बिमराल इसको सवेरे दूंगा। ये रेशियो आप ऐच्छिक है, जब तक चला सकें 15 दिन 20 दिन, मैं 1-1 महीना लगातार पिला देता हूँ। हालांकि आप ये कर सकते हैं कि महीना में 10 दिन पिलाएं, फिर 20 दिन छोड़ दें, फिर 10 दिन पिलाएं, इस तरीका से महीना में अपना इच्छा के अनुसार जब तक चाहें मेमने को पिला सकते हैं, अपने पॉकेट देखते हुए, अपने खर्च देखते हुए। तो यदि आप मेमना बचाते हैं तो आप सक्सेस फार्मिंग कर पाते हैं, और नहीं तो बड़ा सा बहुत दिक्कत होता है। तो मेमने को ज़रूर बचाएँ, और मैं देखिए इसको मैं दिया हूँ, सवेरे फिर मैं वो दूंगा, देख लिए मेमने आराम से वहाँ खड़े हैं। बकरी पालन में सफलता का मंत्र
मेमना बचाना ही है मित्रों। थैंक यू।